तो हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अलंकार तबला क्लास में। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कुमार जी सानू, इनके गाने के ऊपर तबला किस प्रकार बजाया जा सकता है या फिर किस प्रकार तबला बजेगा। हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि उनके गानों में तबले से ज़्यादा ढोलक का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों कई गानों में दोनों मिक्स भी बजाए गए हैं ताकि रिदम पैटर्न और भी खुल के आ सके। तो वही रिदम क्या होगा, गाना कौन सा होगा, ये आज हम फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार अगर आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पैटर्न और गाना है नज़र के सामने जिगर के पास। गाना आप सब ने बहुत बार सुना हुआ है, सुपर डुपर हिट गाना है। गाने का जितना भी म्यूज़िक पैटर्न है, जितना भी रिदम पैटर्न है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। अभी भी वो गाना उतना ही चाव से लोग उसे सुनते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे ही आ जाती है कि हम प्रोग्राम में होते हैं और ये गाना आ जाता है और इसमें जो मिक्स तबला ढोलक जो बजा हुआ है तो वो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें अभी क्या बजाना है, क्या फिर कौन सी वहाँ पे उठा लेनी है या फिर हम उसे पिकअप बोलते हैं तो कौन सा पिकअप लेना है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो यही सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेन गाने में बजा हुआ पैटर्न है वो कौन सा है, आज हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल है, धाता ती ता ता धिन धिन, धाता ती ता ता धिन धिन, धाता ती ता ता धिन धिन, धाता ती ता ता धिन धिन। ये कहरवा का पैटर्न वहाँ पे बजा, देखिए नीचे स्क्रीन पे भी आप क्या रहा है, धाता ती ता ता धिन धिन। ठीक है, धाता ती ता ता धिन धिन, धाता ती ता ता धिन धिन। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा बजाया हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो वजन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। धाता ती ता ता धिन धिन, धाता ती ता ता धिन धिन। ये अगर आप अच्छे से बजाते हो तो शायद आपका गाना बहुत ही अच्छा बजेगा। मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि ये आप बजा लीजिए तो एक दिन में इतने गाने बजाओगे, दो दिन में इतने गाने बजाओगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो वज़न आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर से एक बार, धाता ती ता ता धिन धिन, इसको आपको घिसना है, घिस काम इसको बोलते हैं, घिस घिस घिस, ये घिसना है आपको। ठीक है, धाता ती ता ता, धाता ये धिन धिन इस प्रकार ही आएगा। सीधा बजाओगे मजा नहीं आएगा। ये इसमें मेन है, ये गाने का मेन चीज यही है। अगर फर्स्ट पिकअप के बाद अगर कोई ठेका बजता है तो यही बजता है। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं गा के आपको सुनाता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। हालांकि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है इसके लिए, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मेन पार्ट है इस गाने का। अभी ये गाने में बहुत सारे पिकअप भी हैं जो बहुत ही यूनिवर्सल है। ये गाने में सीख लोगे तो और कई भी कोई भी गाने में आप उसको बजा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको और कौन से गाने सीखने हैं, इस ये गाने का कौन सा पिकअप, कौन सा अंतरे में है, कौन सा पिकअप आपको सीखना है। मैं एक इसके ऊपर एक और एपिसोड जल्दी ही आने वाला है, लेकिन आप भी हमें कमेंट करके वो सारी चीज़ें ज़रूर बताइए। आज का लेसन बहुत ही ज़रूरी लेसन है, इसको बहुत ही अच्छे से करिए ताकि ये अगर एक गाना आपका अच्छे से बैठ गया तो हो सकता है कुमार सानू जी के और भी अच्छे गाने हैं वो भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे।
मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।